यस डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और सलामती से होंगे एजुकेशन वीडियो चैनल की तरफ से। मैं टीचर नईम चौहान। सो आज हम बात करेंगे MTH 302 यानी बिजनेस मैथ की असाइनमेंट के सॉल्यूशन नंबर 1 के तरफ से। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है। इसमें दो चीज़ें आपको समझाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा रेवन्यू जनरेट करना और उसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना। वेरी बहुत ही सिंपल है जितना भी इसको कहा जाए, यू हैव टू जस्ट। लेकिन उनके लिए थोड़ी सी ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड है, जिन स्टूडेंट्स को डिसलाइक है मैथ। सो आपने इनकी सारी जितनी भी सिंबल्स हैं, नोटेशंस हैं, आपने मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर्स के जरिए से लिखनी है, ठीक है। ये उनकी तरफ से सजेशंस है। यू शुड रिमेंबर दैट द सॉल्यूशन फाइल ऑफ सम स्टूडेंट और फाउंड सेम कॉपीड देन वी विल रिवार्ड जीरो मार्क्स। तो आपने उन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस का ख्याल रखना है राइट डाउन करते वक्त, ताकि जब आपका एग्जामिनर चेक करे तो आपको प्लैगरिज्म से सेव महफूज पाए। तो पहला क्वेश्चन था कि एक शख्स है, वो 15,000 जो है वो क्या कर रहा है, क्वार्टरली पे कर रहा है 7 साल, और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, ये कंपाउंडेड है इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट रेट नहीं, कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। तो उसकी फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसकी 15,000 प्रेजेंट वैल्यू है, ये फार्मूला है 1+1i/m, m - m/n। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा आपके सामने। अब क्या है, 13.5 को क्या हमारा एनुअल इंटरेस्ट है 3.5, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में 100 पर डिवाइड किया, डेसिमल फॉर्म में आ गया। अब इसको हमने प्लस वन करना है, ये हमारा फैक्टर निकला। अब हम चूंकि ये जो 4 है ये क्वार्टरली है, यानी हर 3 माह के बाद, साल में चूंकि 4 दफा हमने देनी है, तो 4 × 7 यानी 7 साल के लिए 4 × 7 = 28। अब हमने इसका क्या करना है, रेज करके 28 लेना है। तो हमारे पास क्या निकला आया, सॉरी 1 3.5 / 100, इसको हमने क्वार्टरली करना है, इसको फिर प्लस वन करना है, इसको फिर हमने क्या करना है, रेज करना है, इसकी पावर को रेज करना है 28 पे। फिर इसको हमने डियर स्टूडेंट्स 15,000 के साथ, जो कि हमारी एनुअल या क्वार्टरली हम पे कर रहे हैं उसकी अमाउंट के साथ, तो हमारा क्या निकला आया 37,954 या 37,995 कर सकते हैं। तो ये पहला सोल्यूशन, आपने इसको डिटेल वाइज वर्किंग करने, और यहाँ पे आपने इसका जो सिंबल्स हैं रेज का यूज करना है, देन आपके मार्क्स पूरे आएंगे। मैंने आपको समझाने के लिए सिंपल लिखा है, लेकिन आपने इसको प्रॉपर इनकी मैथ एडिटर के फार्मूले के अंदर लिखना है, लेकिन आपने वर्किंग इसी तरह पूरी करनी है। सो दूसरा जो है वो उससे भी सिंपल है, जिसमें 4 स्पीड्स के कनेक्शन पेश किए हैं, 256 KB, 512, 1 MB, 4 MB। अब उस शख्स ने क्या किया है, सॉरी एग्जामिनर ने क्या किया है, कि कंपनी ए ने 175 कनेक्शन इसके, 60 कनेक्शन, 22 कनेक्शन, 8 कनेक्शन, इस तरह कंपनी बी ने 250, 180, 65, 23 ये कनेक्शन जो है वो सोल्ड कर चुकी हैं पर मंथ के हिसाब से। अब इसका हमने रेवन्यू स्टेबल फॉर्म में लिखना है, यानी रेट रेट को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये अब निकला है, अब स्पीड देख लें इसका, ये रेवेन्यू निकला है। इसको अगर आप मज़ीद अंडरस्टैंड करना, समझाने के लिए मैं आपको इस एक्सेल शीट पे आऊँगा, इसमें से ये सारी डेल कर देता हूँ, इसमें भी डेल कर देता हूँ, ताकि आपको लॉजिकली तौर पर मैं प्रूव करूँ। ये देखें, इज इक्वल हमारा रेट मल्टीप्लाई कितने कनेक्शंस को सेल किया है, और हमने सालाना करना है, तो ये पर मंथ रेट है, तो हमने 12,000 डिवाइड किया तो हमारा ये निकला आया, या हमने इसको ड्रैग कर दिया या इसको डबल क्लिक किया तो हमारा निकला। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमने रेट डिवाइडेड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कनेक्शंस देन मल्टीप्लाई 3, यानी हम क्वार्टरली हर 3 माह के बाद हमारा क्या रेवेन्यू निकला है,
उसको आप देख सकते हैं कि ये रेवेन्यू जनरेट हो गया। आपने इसी तरह कॉपी पेस्ट करना है या वहाँ पे आपने टेबल बना के उसका नीचे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख सकते हैं। लेकिन जितनी भी वर्किंग है आपने प्रॉपर करनी है और अपने ही क्या कहते हैं इन्हीं के जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्हीं के मुताबिक आपने असाइनमेंट तैयार करनी है, देन आपके पूरे मार्क्स आएंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स।